हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इन सोनिका व्लॉग्स। आज आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और मैं आ गई हूँ ऊपर वाली छत पे। तो मैं ऊपर वाली छत पे इसलिए आई क्योंकि टंकी खाली हो रखी थी, तो मैं टंकी देखने के लिए आई। और मौसम की बात की जाए तो मौसम आज भी अच्छा है, धूप लग रखी है। धूप तो लग गई है और कोहरा भी अभी है, यानी धुंध, तो धुंध अभी पड़ी हुई है और धूप भी आ गई है हल्की हल्की। तो उतनी तेज़ धूप तो नहीं हो रही है, बट हल्की हल्की हो रही है। और टंकी तो नहीं भर रहे अभी क्योंकि ये खाली हो रखी है दोनों टंकी पूरी तरह। और इसको, इस पे ना मिट्टी जम जाती है क्योंकि पानी सीधे डायरेक्ट आता तो मिट्टी जम जाती है। और इसको करेंगे अभी साफ, और इसको करेंगे जिया जी और मैं साफ। तो जिया जी ने ला दिए पाइप वगैरह, तो इसको साफ कर देते हैं और फिर सफाई भी हो जाएगी क्योंकि क्लीन वाटर तो क्लीन वाटर ही होता है। तो अब इसको सफाई करने का काम करते हैं। टंकी के साथ साथ हमने छत की भी सफाई कर दी है, तो आज छत की धुलाई भी हो गई है। बैठने के लिए सही होता है, ऐसे ऊपर बैठते नहीं हम। अभी नीचे वाली छत की भी करेंगे और पीछे भी। और ये दोनों झने लगे हुए हैं काम पे, एक वाइपर लगा रहा है, एक पानी डाल रहा है और मैं भी इनके सामने हेल्प कर रही हूँ। तो पूरा छत धुल चुका है हमारा। अभी हो गई गाइस 10:30 और हमारा नाश्ता भी हो गया है। तो जब तक हमने छत धोया है तब तक रितिका ने नाश्ता बना दिया था। तो जो हमने छत धोया था वो भी सूख गया है। ऊपर तीन छत धुले हमने, पीछे और नीचे और ऊपर वाला छत, तो बहुत थक लग गई थी। तो और जो हमने छत धो रखा था तो वो सूख गया। और यहाँ पे जिम्मी भी सो रखा है, तो जिम्मी को अभी रोटी नहीं दी हमने, तो अभी जिम्मी को भी रोटी दे देंगे। रितिका, जिम्मी को रोटी नहीं दी ना, तो मैं रोटी ला देती हूँ जिम्मी के लिए भी अंदर से, और दूध और रोटी दे देती हूँ जिम्मी को, बेचारा वो भी भूखा होगा। यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ जिम्मी के लिए दूध और रोटी। तो ये जिम्मी खड़ा उठ गया यहाँ से, आजा जिम्मी, जिम्मी आजा ला। तो जिम्मी आ गया है और ये जिम्मी के बर्तन है यहाँ पे, तो मैं जिम्मी को दे देती हूँ खाना। ये खाना वाला बर्तन है और ये पानी पीने वाला इसका, तो मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। जिम्मी ले। तो जिम्मी भी आ गया है और ये देखो जिम्मी खा रोटी, रोटी खा। तो जिम्मी भी रोटी खा लेगा, इसका नाश्ता भी हो जाएगा। हे गाइस, तब भी बच चुकी है 2:00 और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं जा रही हूँ अक्कू के साथ, आज अक्कू के स्कूल में, उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है। और तो अक्कू को भी नहीं पता कि क्या प्रोग्राम है क्योंकि उसके टीचर ने बताया नहीं कि क्या है। तो मैं जा रही हूँ उसके स्कूल में एज अ पेरेंट्स या गार्डन समझ लो, तो मैं बड़ी हूँ तो इसलिए जा रही हूँ उसके साथ, टीचर ने बोल रखा है। तो अब भी बज रहे, अब भी 2 बजे जाएंगे हम घर से, तो 2 बजे निकलने वाले हैं हम घर से। और मैंने ना व्लॉग भी एडिट नहीं किया है कल का, सुबह से ऐसी हुआ टाइम नहीं लगा। और रात को तो मैं सो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो वो तो अब मैं आके ही करूँगी व्लॉग एडिट, और शाम को ही अपलोड हो पाएगा वो वाला व्लॉग। तो बस अब थोड़ी देर में निकलते हैं घर से। और अक्कू भी तैयार हो रही है और ये स्कूल जा रखी थी, तो दिन में स्कूल से घर आई, फिर अभी दोबारा से स्कूल ही जा रही है। और लंच तो हमारा बन गया है, पर लंच खाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा मन होता ही नहीं है जब मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मेरा मन नहीं होता लंच करने का। तो और मैं लंच नहीं कर रही हूँ अभी, हम दोनों ही नहीं कर रहे, वो भी नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रही, क्योंकि इनके स्कूल में 2 बजे से प्रोग्राम है। बल तो 2 बज चुकी है और यहाँ से जाने में आधा घंटा भी लगेगा, तो हम निकलते हैं फटाफट से घर से, वहाँ से आने के बाद ही कर लेंगे फिर लंच। और ये क्या है, तो अब निकलते हैं हम जल्दी से घर से। और अभी बज गई 2 और हम निकल गए हैं घर से, और इसने पहन रखे हैं स्पैक्स। और तो हम जा रहे हैं अभी, तो इसे पता आपको क्या प्रोग्राम है तुम्हारे स्कूल में, इसे भी नहीं पता है। देखो आप बोले, इसे भी नहीं पता है, अब देखते हैं। तो हम पहुंच गए इसके स्कूल में, पहुंचने वाले हैं, मतलब बाहर पहुंचे हैं अभी। तो विक्रम से तो उतर गए हैं और ये में अभी जा ही रहे हैं, गली में है अंदर, तो अब जा रहे हैं यहाँ से, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं इसके स्कूल में भी। अभी हो गई गाइस 3:30 और मीटिंग तो ख़त्म हो गई है, जो इनके स्कूल पे मीटिंग थी। तो कुछ नहीं था मीटिंग में, ऐसी था मतलब क्या क्या है बच्चों की जो भी होता है। तो ये इनका स्कूल है प्यारा सा, मैंने वीडियो में दिखा रखा है, पीछे इनका स्कूल है और ये इनका ग्राउंड है, पूरा फील्ड है मतलब, तो पूरा चारों तरफ से इनका स्कूल है इस जगह पर। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर, और
चलते हैं यहाँ सब। तो अभी हो गए गाइस 4:45 और अभी हम घर पहुँच गए हैं। तो हम निकल गए थे वहाँ से 3:30 बजे के लगभग। तो हम बाहर से हमें विक्रम भी नहीं मिले, तो विक्रम का वेट भी किया हमने थोड़ी देर तक। तो विक्रम मिलने के बाद हमारा थोड़ा इधर काम था शॉप पे, तो हम वहाँ भी गए और कुछ सामान सामान लिया, तो इसलिए हमें लेट हो गए आने में। तो अभी हम घर पहुँच गए और अब हम पीते हैं चाय पानी। तो चाय पानी इन्होंने बना ही दिया, बना रहा है चाय, तो अब चाय पीते हैं। और अभी बजे गए 7:00 और मैं बाहर ही घूम रही थी, तो बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और धुंध भी पड़ गई है बाहर। तो मैं अभी आई अंदर और ये लोग अभी यहाँ पे बैठ रखे हैं। देखो ये स्कूल का वर्क कर रहा है, ये भी स्कूल का वर्क कर रही, और वो वहाँ पे लेट रखी है अभी। तो अभी आयुष बनाएगा चाय, तो एक शाम की चाय तो पीनी बनती है, और ये चाय बनाएगा, उसके बाद ये डिनर बनाएंगे। तुम डिनर बनाओगे उसके बाद? तो उसके बाद ये डिनर बनाएंगे और मैं भी यहीं रुक गई हूँ अभी। तो इन्होंने बोला यहीं रुक जा, क्या करेगी रूम पे, तो जाके अकेले वैसे भी, तो इसलिए मैं यहीं रुक गई हूँ। तो बस अब डिनर की तैयारी करते हैं ये लोग, और मैं तो कुछ नहीं करती, खैर मैं बैठी रहूँगी। आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।